वेलकम बैक टू गेम ऑफ इलेक्ट्रिकल मैग्नेट फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एक 15 एचपी की मोटर की रिवाइंडिंग करने वाले हैं जो कि 960 आरपीएम की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पेपर वेपर बिठा के कंप्लीट कर रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके डेटा के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो टोटल स्लॉट है वो है 48 स्लॉट। ये 6 पोल की मोटर है और जो इसका आरपीएम है वो है 960 आरपीएम। और इसमें जो टोटल क्वाइल के सेट आएंगे वो 18 क्वाइल आएंगे टोटल इसमें। और इसकी जो वाइंडिंग है वो टूप्लेक्स वाइंडिंग रहेगी, पूरी 18 के 18 टूप्लेक्स वाइंडिंग होगी। और इसका जो स्टैंडर्ड वायर गेज है वो है 19+19+19, यानी 3 19 के गेज चलेंगे एक साथ में। और इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है 39, 39 टर्न्स है इसमें टोटल। जब आप 19 नंबर के 3 वायर को एक साथ फर्मे पर कॉइल बनाएंगे तब वहाँ पे आपको सिर्फ 13 टर्न्स ही लपेटने हैं, तो 39 टर्न्स हो जाएगा ऑटोमेटिक। और जिस स्लॉट में कॉइल बिठाना है वो है 1 से 6 और 1 से 8 और 1 से 10, 3 3 का सेट है सारे कॉइल। और इसमें जो टोटल कॉपर का वेट होगा वो 11.5 किलो के आसपास होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वाइंडिंग स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में 4 स्लॉट को छोड़ के बिठाना है, 1 से 6 और 1 से 8 और 1 से 10, 3 3 का सेट बनाना है, टोटल 18 कॉइल आएंगे। ये जितनी भी वाइंडिंग है सारी टूप्लेक्स वाइंडिंग होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 39, 39 नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे, 18 के 18 कॉइल सेम एक जैसा ही बनाने हैं। पूरी वाइंडिंग टूप्लेक्स रहेगी, यानी हर एक स्लॉट में 39 फिर 39, यानी एक स्लॉट में 2 कॉइल बिठेंगे 39 39, तो टोटल 78 यानी 78 टर्न्स हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये तीसरा सेट बिठा रहे हैं कॉइल का। सब कॉइल 3 3 के सेट में बनेंगे, 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम एक कॉइल का तीसरा वाला सेट बिठा रहे हैं जो कि 1 से 10 वाला है। ठीक इसी सीक्वेंस में सारे कॉइल बिठेंगे 18 के 18। आप देख सकते हैं वाइंडिंग बहुत ही इजी है, इतना हार्ड नहीं है, टूप्लेक्स वाइंडिंग है फिर भी इजी है। ये ओल्ड मॉडल की मोटर है, इसका साइज़ देख के आपको लगता होगा कि 20 एचपी की मोटर या उससे बड़ी मोटर है, लेकिन ये ओल्ड मॉडल है 960 आरपीएम में, इसलिए इतनी बड़ी दिख रही है। वाइंडिंग करना बड़ा ही इजी है, जितनी बड़ी मोटर होती है उतनी इजी वाइंडिंग होती है। यहाँ पे हम सेपरेटर साथ ही साथ लगाते चलेंगे, क्योंकि टूप्लेक्स वाइंडिंग है तो फिर लास्ट में सेपरेटर लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए इसी टाइम पे लगा लेंगे। वाइंडिंग के टाइम से ही लगाते जाएंगे साथ ही साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में आपको एक ग्रीन शीट वाली पेपर लगानी पड़ेगी ताकि हर कॉइल एक दूसरे से सेपरेट रहे। और पेपर का साइज थोड़ा सा लंबा रखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग आधी वाइंडिंग हमने कर दी है, आधी और बाकी रह रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन से कॉइल बिठाते जाना है 3 3 का। आप शुरू में 1 2 कॉइल बिठा लेंगे तो लास्ट तक बिठता चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे वाले पेपर को हम दबा देंगे अच्छे से ताकि ऊपर वाली कॉइल आसानी से बिठ सके। नीचे 39 टर्न्स है, 39 टर्न्स ऊपर भी आएंगे, सभी कॉइल में 39 39 टर्न्स रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी लकड़ी की मदद से आप पेपर को अच्छे से दबा लेंगे ताकि ऊपर वाली कॉइल बिठाने में इजी रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वीडियो की स्किप कर दिया ताकि ज़्यादा लंबा ना हो। अभी हमारा आखिरी वाला कॉइल बिठा रहे हैं, इंटरलॉकिंग कर रहे हैं। इसको स्टार्टिंग में हमने एक साइड से ही बिठाया था, अभी लास्ट में हम इसको दूसरी साइड से बिठा देंगे तो ये पूरा कम्प्लीट वाइंडिंग हो जाएगी। यहाँ पे जब आप लास्ट वाली कॉइल को इंटरलॉकिंग करेंगे तब थोड़ा सा वाइंडिंग हार्ड होगा, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं होगा, बिठ जाएगा आसानी से। 5 मिनट ज़्यादा लगेगा लेकिन वाइंडिंग एकदम फिनिशिंग होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पेपर साथ ही साथ वाइंडिंग के लगाते गए सेपरेटर वाली। अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिख रही है पूरी वाइंडिंग करने के बाद। अब ये पेपर को हम साइड से काट देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर थोड़ा थोड़ा बड़ा ही रखें। यहाँ पे आप दोनों साइड से काटने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिख रही है। बाद में हम यहाँ पे टेपिंग कर देंगे एक साइड से, फिर दूसरी साइड हम कनेक्शन करेंगे।
यहाँ पे कॉटन के टेप से हमने टेपिंग कर दिया है अच्छे से मोटर को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब ये कनेक्शन के साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी पेपर को हम सेट कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद इसको भी काट के ये हमारा जो सारे वायर है इसको सीधा कर लेंगे, फिर इसमें सिल्यू डाल के कनेक्शन करेंगे। ये जो कनेक्शन है इसको हम डायग्राम पे समझ लेंगे, यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो, क्योंकि डायग्राम पे समझना काफ़ी इजी रहेगा और आसान रहेगा, वहाँ पे इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारा सिल्यू चढ़ा रखा है और कनेक्शन कर रहे हैं, सिंपल कनेक्शन है, इसमें कोई भी एरल पैरल टाइप का कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल सीधा कनेक्शन है, सादा सिंपल, टॉप टू टॉप बॉटम टू बॉटम। 1, 3, 5 पे हम मेन लीड वायर निकालेंगे और 1 से 4 पे हम सीरीज में जोड़ देंगे तीनों फेस को। लास्ट में 6 वायर निकलेगा मोटर स्टार डेल्टा में चलाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से 4 पे सीरीज में जोड़ रहे हैं, लास्ट में 6 वायर निकाल लेंगे। 1, 3, 5 पे जो हमारा मेन वायर निकलेगा A1, A2, B1, B2, C1, C2, इसमें टोटल 18 कॉइल है, 6 पोल की वाइंडिंग है 960 RPM में। A2A, B2B हम इसको सीरीज में जोड़ देंगे, सामने वाला सामने के साथ, यानी अंदर वाला अंदर के साथ, बाहर वाला बाहर के साथ, बाहर टू अंदर ऐसा नहीं करेंगे वरना रॉन्ग कनेक्शन हो जाएगा, बाहर से बाहर अंदर से अंदर ऐसा करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर वाला तार अंदर वाले के साथ में जोड़ेंगे 1 से 4 पे, और जो बाहर वाला तार है वो बाहर के साथ जोड़ेंगे 1 से 4 पे। ये हमारा देख सकते हैं लीड वायर है, 6 लीड वायर निकलेगा इसमें से भी। बहुत ही इजी है वाइंडिंग और कनेक्शन, इसको हम ड्राइंग पे समझ लेंगे, बहुत ही इजी है। नॉर्मल जो आप कनेक्शन करते हैं ठीक वैसा ही है, जैसे 1440 RPM वाली मोटर के कनेक्शन होती है सादा वाली, सामने से सामने, A2A, B2B, टॉप टू टॉप, बॉटम टू बॉटम। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लीड वायर निकाल दिया है 6 के 6, ये दोनों रेड वाले है A1, A2, और ये जो ग्रीन और येलो है ये B1, B2, और ये ब्लैक वाले हैं ये C1, C2। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बिना इंसुलेशन रिमूव किए ये कनेक्शन कर दिया था, उसके बाद हम यहाँ पे इंसुलेशन को जलाएंगे, उसके बाद इसको हम ब्रेजिंग कर देंगे, सोल्डिंग जैसा कर देंगे। पहले हम इंसुलेशन को अच्छे से जला के साफ़ कर लेंगे, फिर इसको प्लायर से अच्छे से टाइट कर देंगे, फिर हम इसको ब्रेजिंग करेंगे कॉपर के रड से, ताकि बिल्कुल कहीं पर भी लूज़ ना रहे कनेक्शन, स्पार्किंग स्पार्किंग होने का कोई टेंशन ना रहे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, थोड़ा सेफ्टी के साथ ये करना पड़ता है क्योंकि ये थोड़ा डेंजर हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ब्रेजिंग करना है, ये कॉपर का रड है, इसी से हम ब्रेजिंग कर देंगे, एकदम मस्त ब्रेजिंग हो जाएगा कंपनी जैसा। स्ल्यू थोड़ा सा लंबा रखना है क्योंकि यहाँ पे हीट की वजह से थोड़ा सा स्ल्यू जलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो में, लेकिन ये जो सोल्डिंग है ये परफेक्ट हो जाती है और टाइम भी नहीं लगता है, उसी टाइम हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कनेक्शन कर दिया और सेप भी दे दिया है अच्छे से। अब यहाँ पे हम इसको टेपिंग कर लिए, आप देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़्यादा, लेकिन काम बढ़िया होगा और फिनिशिंग होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसको अच्छे से सेप दे देंगे, और इसके बाद हम पट्टी की मदद से जो पेपर है इसको हम दबा देंगे नीचे, ताकि जो हमारा रोटर इसके अंदर घूमेगा वो एकदम फ्री घूमे, कहीं पे भी पेपर वेपर में टच ना हो। उसके बाद हम इसमें वार्निश डालेंगे, पहले बॉडी शॉट चेक कर लेंगे उसके बाद वार्निश डालेंगे। तो आइए अब हम इस मोटर को चेक करते हैं चालू करके, सिंगल फेस पे मोटर को चेक कर रहे हैं कैपेसिटर लगा के। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटर रन कर रही है बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ पे आप मोटर को चेक कर सकते हैं कनेक्शन स्टार करके सिंगल फेस पे कैपेसिटर लगा के। यहाँ पे आप स्टार्टिंग कैपेसिटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या रनिंग का भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग वाला चालू होने के बाद हटा लेंगे। तो चलिए कनेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने टोटल 18 कॉइल बनाए हुए हैं डायग्राम में, यहाँ पर हमने कलर कोडिंग का यूज़ किया है RYB। तो अब यहाँ पर आप कनेक्शन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ये वाले कॉइल से, रेड वाले से, तो ये हमारा हो गया A1, ये हमारा बाहर वाला वायर है, ये हमारा A1 हो गया। उसके बाद हम यहाँ से गिनेंगे 1, 3, 5, यानी 1, 2, 3,
ये हमारा हो गया बी वन। उसके बाद एक दो तीन, उसके बाद चार पाँच, ये हमारा हो गया सी वन। ये हमारे तीनों लीड वायर हो गए, जो कि ए वन, बी वन और ये सी वन, तीन लीड वायर हो गए। और यहीं से हम यहाँ पे सीरीज में जोड़ना चालू करेंगे एक से चार पे। उसके बाद जो लास्ट में तीन वायर बचेगा वो ए टू, बी टू और सी टू। तो चलिए इसको हम सीरीज में जोड़ते हैं एक से चार पे। तो एक दो तीन चार, ये आ जाएगा अंदर से अंदर सीरीज में, ऐसे सीरीज में जोड़ देना है सभी वायर को। उसके बाद ये है एक दो तीन चार, ये बाहर से बाहर। उसके बाद एक दो तीन चार, ये अंदर से अंदर। फिर एक दो तीन, एक दो तीन चार, ये बाहर से बाहर। उसके बाद एक दो तीन चार, ये अंदर से अंदर। अब इसका जो लीड वायर निकलेगा ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे ए वन है तो ये दूसरा वाला ए टू हो जाएगा। ये हमारा एक सर्किट कंप्लीट हो गया, एक फेस कंप्लीट हो गया। ठीक इसी तरीके से हम ये बी वाले फेस का है इसका करेंगे। ये हमारा बी वन है तो यहाँ पे हमारा बी टू निकलेगा। इधर से हम घुमाएंगे फेस को, ये तीनों फेस है हमारा एक ही डायरेक्शन में घूमेगा। अगर जो हम इधर से कनेक्शन कर रहे हैं तो सब इधर से ही करेंगे, या इधर से कर रहे हैं तो सब इधर से करेंगे। ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये इधर से दो कर दिए इधर से एक कर दिए, रॉन्ग कनेक्शन हो जाएगा। तो हमको तीनों फेसों को एक ही डायरेक्शन में ले चलना है। तो यहाँ से एक दो तीन चार, ये हमारा हो गया अंदर से अंदर। फिर एक दो तीन चार, ये बाहर से बाहर। एक दो तीन चार, अंदर से अंदर। एक दो तीन चार, बाहर से बाहर। एक दो तीन चार, ये हो गया हमारा बी टू। ये दो फेस की हमने कनेक्शन कर दिया। उसके बाद हम करेंगे येलो वाले की सी वन, उसके बाद ये वाला होगा सी टू। इधर से हम इसको भी जोड़ेंगे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये बाहर से बाहर। एक दो तीन चार, अंदर से अंदर। एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन चार, ये हमारा हो गया सी टू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए वन, बी वन, सी वन। उसके बाद यहाँ से ए टू, बी टू, सी टू। ये टोटल छः वायर निकल गए हमारे कनेक्शन वायर, लीड वायर जो कि बाहर निकलेंगे। यहाँ पे आप इसको भी मान सकते हैं ए वन, बी वन, सी वन, ये ग्रुप एक हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बी टू, ए टू और सी टू, ये ग्रुप टू हो गया। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, एक दो तीन, ये एक ग्रुप के हो गए जो कि टू वाले सीरीज के हैं। फिर ये एक दो तीन, ये एक वाले ग्रुप हो गए जो कि ए वाले सीरीज के हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका कनेक्शन करना है, बिल्कुल ही सीधा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छः, यानी ये एक कॉइल, दो कॉइल, तीन कॉइल, चार कॉइल, पांच कॉइल, छः कॉइल, ये टोटल छः कॉइल है। यानी एक साथ जितने कॉइल सीरीज में जुड़े हैं ये हमारे पोल हो गए। यानी एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः कॉइल है, यानी सिक्स पोल की मोटर हो गई। और ये 960 आरपीएम की मोटर है, 960 आरपीएम। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका कनेक्शन करना है, बिल्कुल ही सिंपल है। मोटर में काफ़ी सारे वायर होने की वजह से वहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे, लेकिन यहाँ पे आप डायग्राम पे बहुत ही ईजी समझ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। और जो आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करते हैं और मोटर रिवाइंडिंग का काम करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके के और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।